वेलकम बैक टू माय चैनल मुकेश इलेक्ट्रिशियन। आज हम भी स्टोन ब्रिज का जो है बल्ब के द्वारा इस प्रैक्टिकल को प्रूव करेंगे कि इसकी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड कंडीशन क्या है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में हमें चार रेजिस्टेंस जो है समान वाटेज की चाहिए या समान उनकी रेजिस्टेंस होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में जो हमारा आर फाइव जो है उसमें कोई भी करंट जो है फ्लो नहीं होगा। तो इस टाइम जो आपका ब्रिज जो है बैलेंस्ड कंडीशन में है क्योंकि चारों बल्ब की रेजिस्टेंस जो है समान है। तो उस कंडीशन में हमारा यहाँ पर कोई भी करंट जो है फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर हम जो है आर टू को हटा देते हैं तो हमारा जो है आर फोर की रेजिस्टेंस जो है वो अधिक ग्लो कर रहा है और बाकी बल्ब जो है हल्के हल्के जल रहे हैं। तो उस कंडीशन में अगर हम जो है आर टू को भी हटा देते हैं तो उसके बाद हमारे जो आर वन, आर फाइव और आर फोर ये तीनों बल्ब जो है आपस में सीरीज में आ गए क्योंकि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से होता हुआ यहाँ पे और यहाँ पे हमारा जो है सर्किट पूरा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद अगर अनबैलेंस्ड अगर आपके पास ब्रिज होगा तो उसमें हमने अलग अलग बांट के आर टू और आर थ्री में हमने अलग अलग बांट के बल्ब लगा दिए। तो उस कंडीशन में हमारा ब्रिज जो है यह अनबैलेंस्ड कंडीशन में है क्योंकि आर वन की अपनी अलग रेजिस्टेंस है और आर टू की जो है अलग रेजिस्टेंस है। इस कारण जो है हमारा ब्रिज जो है अनबैलेंस्ड कंडीशन में है क्योंकि संतुलित कंडीशन में कब होगा, जब हमारी सारी चारों रेजिस्टेंसें जो है उनका रेजिस्टेंस सेम होगी। तो उस कंडीशन में हमारा आर जो फाइव है उसमें कोई भी करंट जो है आपका फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम आपका ब्रिज जो है संतुलित अवस्था में और असंतुलित अवस्था में है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो रहा है क्योंकि चारों बल्ब जो है हमारे समान वाटेज के हैं तो इस कंडीशन में हमारा जो है आर फाइव पर जो है कोई भी करंट नहीं बह रहा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जैसे आर वन अपॉन आर टू, आर थ्री अपॉन आर फोर, अगर इन सब की रेजिस्टेंस सेम है तो इसमें आपको नो करंट थ्रू इन आर फाइव,